देश को स्वच्छ बनाने के लिए पूरे प्रदेश में खुले में शौच मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मुरादाबाद में इस अभियान की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। कुछ लोगों की तरफ से खुले में शौच करने का लोगों से अमानवीयता का मामला सामने आया है, जिसमें खुले में शौच करने आए लोगों की ना सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उन्हें मुर्गा बनाकर उनके ऊपर ईंट रखने जैसा अमानवीय व्यवहार भी किया गया, उनसे मल भी उठवाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। नगर निगम ने शहर को ODF की घोषणा कर रखी है। खुद बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल दावा कर रहे हैं कि शहर में हर घर में शौचालय बनवा दिया गया है, लेकिन ये घटना उनके दावों की पोल खोल रही है और दबंगों की पैठ की ओर इशारा कर रही है। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है और महानगर को संपूर्ण ODF घोषित कर दिया गया है। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि कोई भी खुले में शौच ना करे, और अगर किसी ने इस तरीके की घटना की है तो उसको गलत है, उनको प्यार से समझाया जाए कि भाई अब खुले में शौच न करें।